हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एस सी ई लर्निंग प्रोग्राम। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, द न्यू बेडरूम ऑफ क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर रीडिंग। मॉम, डैड, सुजैन एंड तानिया मूव इनटू अ न्यू हाउस। मॉम, डैड और उनके बच्चे सुजैन एंड तानिया, दे मूव टू द न्यू हाउस। वो एक नए घर के लिए शिफ्ट होते हैं, जाते हैं। सुजैन एंड तानिया आर वेरी हैप्पी। सुजैन एंड तानिया आर द टू चिल्ड्रन, दे आर वेरी हैप्पी। दे हैव अ न्यू बेडरूम। वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनके पास एक नया बेडरूम उनको मिलता है। देयर इज अ बंक बेड विथ अ स्मॉल लैडर। उनके पास एक बंक बेड मीन्स खूब बड़ा सा बेड रहता है, और एक विथ अ स्मॉल लैडर, एक छोटी सी उसमें लैडर रहती, सीढ़ी रहती, जिस पर चढ़ के वो लोग ऊपर जाते हैं। There are pillows and quilts. उन लोगों के पास pillows रहती हैं, quilt. Quilt is a thing जिसको आप एक पतले कंबल की तरह होता है, जिसको आप ओढ़ सकते हैं, अपने अपने बॉडी को ढाक सकते हैं। There are two chairs and a table. वहाँ पे टू चेयर्स हैं और वन टेबल है। There is a big window with कर्टेंस। वहाँ पे खूब बड़ी सी विंडो रहती है और उस पर कर्टेंस रहती है, जो कि पर्दा लगे हुए रहते हैं। देयर इज़ अ बिग पिक्चर एंड अ क्लॉक ऑन द वॉल। खूब बड़ी सी पिक्चर लगी रहती है और एक क्लॉक, घड़ी लगी रहती है, किस कहाँ पे, वॉल पे, दीवार पे। देयर आर टू कपबोर्ड्स, वन फॉर सुजैन एंड वन फॉर तानिया। टू कपबोर्ड रहते हैं, जहाँ पे टू कबर्ड रहते हैं, एक सुजैन का रहता है और एक तानिया का रहता है। दे कीप देयर क्लोथ्स एंड शूज़ हियर। वो लोग अपना शूज़ एंड क्लोथ्स वो उस अपने कबर्ड में रखते हैं। देयर इज़ अ ड्रेसिंग टेबल विथ टू ड्रॉर्स एंड अ मिरर। एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल उनको मिलता है, जिसमें दो ड्रॉर रहते हैं और एक बड़ा सा मिरर रहता है। देयर आर ऑल्सो टू बिग बॉक्सेस फॉर देयर टॉयज। उन लोग के पास खूब बड़े से दो बॉक्स रहते हैं, जिसमें खूब ढेर सारे खिलौने रहते हैं। देयर इज़ अ लार्ज मैट ऑन द फ्लोर। खूब बड़ी सी मैट रहती है फ्लोर पे। डैड आस्क सुजैन एंड तानिया, गर्ल्स डू यू लाइक योर न्यू रूम। जो डैड रहते हैं वो दोनों बच्चों से पूछते हैं, सुजैन एंड तानिया, डैड डू यू लाइक योर न्यू रूम, क्या तुम लोग को ये नया रूम पसंद आया। सुजैन सेज, ओह यस, दिस इज़ अ वेरी प्रीटी रूम। सुजैन बोलती है, हाँ ये बहुत ही अच्छा रूम है, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। थैंक यू डैड, सुजैन बोलती है, थैंक यू डैड। तानिया सेज, मी टू, मुझे भी बहुत ये घर, ये नया रूम पसंद आया। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। मॉम स्माइल्स एंड सेज, इट इज़ प्ले टाइम नाउ गर्ल्स। मॉम हंसते हुए बोलती हैं, अब तुम लोग का खेलने का टाइम हुआ है। यू कैन टेक योर टॉयज आउट ऑफ द बॉक्सेस। तुम लोग इस बड़े से बॉक्स में से अपने टॉयज बाहर निकाल के उसके साथ खेल सकते हो। प्ले विद देम, उनके साथ खेलो। देन पुट देम बैक इन द बॉक्सेस, फिर उन टॉयज को उस बॉक्सेस में दोबारा रख देना। सुजैन सेज, वी विल कीप आवर रूम क्लीन मॉम। हम लोग अपना रूम क्लीन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। शी टर्न्स टू हर सिस्टर एंड सेज, कम तानिया, लेट्स सेट अप द जिगसॉ पजल ऑन द मैट। तब सुजैन बोलती है अपनी बहन से, तानिया आओ बैठा जाए, हम लोग एक पजल मैट पे बैठ के खेला जाए। Now here story is finished. Now we are coming to the book exercise. Choose the correct words to complete these sentences from the story. हमें two option दिया हुआ है, we have to choose the correct option and we will write it down in the fill in the blanks. The bunk bed has a long ladder and a small ladder. The right answer is small ladder. There are dash on the bed. The first one is pillows and quilt, and the second one is curtains and quilts. The right answer is pillows and quilt. Now come to this next exercise. Sorry, the third one. Tanya and Suzanne play on the mat and on the bed. They play on the mat. The right answer is on the mat. Now come to the next exercise. B.
अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. वी हैव टू अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. टू वर्ड हैज़ बिन रिटन, ठीक है. उन दोनों वर्ड में से जो राइट आंसर होगा उस पर हमें अंडरलाइन करना है. द गर्ल आर हैप्पी बिकॉज दे हैव अ न्यू बाथरूम और अ बेडरूम. द राइट आंसर इज बेडरूम. द बिग बॉक्सेस आर फॉर द बुक्स और टॉयज. द राइट आंसर इज टॉयज. देयर इज अ ड्रेसिंग टेबल डाइनिंग टेबल इन द रूम. द राइट आंसर इज ड्रेसिंग टेबल. देयर इज अ स्मॉल बिग पिक्चर ऑन द वॉल. द राइट आंसर इज बिग पिक्चर ऑन द वॉल. गर्ल्स कीप देयर बुक्स और क्लोथ्स एंड टॉयज और शूज इन द कबर्ड्स. द राइट आंसर इज द गर्ल्स कीप देयर क्लोथ्स एंड शूज इन द कबर्ड्स. नाउ कम टू द एक्सरसाइज सी. राइट वाई फॉर यस और एन फॉर नो. डू तानिया एंड सुजैन कीप देयर क्लोथ्स इन द सेम कबर्ड. क्या तानिया और सुजैन दोनों लोग अपना जो क्लोथ्स है वो एक ही कबर्ड में रखते हैं? नो, दे कीप देयर क्लोथ्स इन डिफरेंट कबर्ड्स. डू तानिया एंड सुजैन शेयर देयर टॉयज. यस. डू तानिया एंड सुजैन हैव अ फिक्स्ड टाइम फॉर डूइंग थिंग्स. यस. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तानिया एंड सुजैन लिव इन अ हाउस. Do you know where these animals live? Help them find their homes. Okay. So now, in first one, picture of animal is given here and their home is given in below that. We have to match the correct picture from to the correct home. The first one is dog. The dog home is kennel. So we will match dog from kennel. In second picture, loin. Loins home is den, kho. So we will match loin from den. The third picture, bee. The bees lives in a hive. So we will match bee from hive. Then the last one is rabbit. Rabbit lives in a burrow. So the we will match rabbit from burrow. Now next exercise. Look at the pictures of the things in Suzanne and Tanya's new bedroom. Write their names. One has been done for you. Okay, हम लोग तानिया और सुजैन के रूम में different different things वहाँ पर रखे हुए देखे थे. Now, उसी चीज़ की picture यहाँ पर बनी हुई है. What we have to do? We have to see that picture and we have to write in front of that what is this? What is the picture name? Like first one is table, so we will write it down table. Second one is mat, so we will write it down mat, M-A-T. Third one is box, so we will write it down box, B-O-X. Fourth one is bed, so we will write it down bed, B-E-D. Fifth, clock, so we will write it down clock, C-L-O-C-K. Sixth one is toys, so we'll write it down toys, T-O-Y-S. So now students, we have completed our chapter number 4. Thank you class. Read the chapter and complete the book exercise and learn it for your examination. Thank you.